देवरे में जनता की खबर प्रकाशित करने पर पत्रकारों पर बड़ा संकट अब दिखाई दे रहा है। ये संकट किसी और के साथ नहीं बल्कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ है। अब जनपद में पत्रकारों का भी दो खेमा बनता नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के आने के बाद पत्रकारों में जाति भेदभाव कर अपने चहेते पत्रकारों को बुलाकर अपनी मनचाहा खबर प्रकाशित कराकर अपनी वाहवाही लूटते हैं और अन्य पत्रकारों को सवाल पूछने के डर से प्रेस वार्ता में नहीं बुलाते, जबकि शहर में दिन रात काम करने वाले लोगों की समस्या को उठाने वाले दर्जनों पत्रकारों को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि कुछ पत्रकारों का सवाल कड़वा होता है। वहीं जब इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं लोकसभा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह को हुई तो इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार लोकतंत्र के एक पहलू है जिसे दो पहलुओं में बांटना न्याय उचित नहीं है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पत्रकार का कोई जाति धर्म नहीं होता। जनपद का अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो वह गलत है। यह लोकतंत्र की हत्या है। जो सरकार को आईना दिखाते हैं और उसे सरकार यदि ईमानदार है, मीडिया के आईने से दिखा रहा है, उससे अपने आप को सुधार करके जन कल्याणकारी योजनाएं जनहितकारी सरकार चला सके। लेकिन आज ऐसी सरकार दिल्ली में, उससे अगर असहमत है कोई पत्रकार, यदि लिख दे रहा है कि मिड डे मील में भात में या माड़ में नमक मिला के दिया जा रहा है, तो उसको गिरफ्तार कर दिया। डेढ़ दर्जन से ऊपर पत्रकार यूपी में उनकी हत्याएं हो चुकी हैं। कम से कम 50 पत्रकारों पे यूपी में मुकदमे लिखे जा चुके हैं। यूपी के बाहर के पत्रकारों में कितने अभी भी मुकदमे जेल में और जेलों में, ट्वीट कर देने से पत्रकारों पे कार्रवाई हो जा रही है, असहमत व्यक्त कर देने से उनके ऊपर कार्रवाइयां हो जा रही। तो एक निष्पक्ष स्वतंत्र मीडिया की स्वतंत्र और ताकतवर लोकतंत्र में आवश्यकता हो, वो लोकतंत्र बिना मीडिया के स्वतंत्रता के जी ही नहीं सकता। उसे लोकतंत्र कहा नहीं जा सकता जहां मीडिया की स्वतंत्रता ना हो। अगर कहीं पे स्वतंत्र लोकतंत्र लोकप्रिय लोकतंत्र की पहचान करनी हो तो वहां की मीडिया की स्वतंत्रता से ही होगी। वो स्वतंत्रता 2014 तक काफी कायम थी और दिल्ली की सरकार आने के बाद सब कंट्रोल, क्योंकि आपसे जानकारियां मिलती। हम व्यक्तिगत तौर से बताएं, हमने देखा हमारी सरकारों के मुख्यमंत्रियों और से छोटी छोटी खबरें छपती हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं देहात में गांव में, यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये ज्यादा हो रही है। सरकार का ध्यान पड़ते ही उसमें कार्रवाई होती थी, पहले अखबार की खबरों में छपती है। सरकारें हिल जाती थी मीडिया की छोटी छोटी खबरों से। आप तो सब मैनेज किया जा रहा है। ये निष्पक्ष आप होंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। उसके लिए भी जो 5 न्याय हैं और उसकी 25 गारंटियां हैं उनका संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी। हमारे 2024 के चुनाव में ये मुख्य हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा हमारा मैनिफेस्टो भी है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं 25, ये वो गारंटी हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं सरकार बनते ही पहले ही दिन कैबिनेट की बैठक में ये मुद्दे लागू हो जाएंगे। बीजेपी अभी तक अपने मैनिफेस्टो को एक भी लाइन लागू नहीं कर पाई, अपने वादों को लागू नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो भी बोला है, जहां भी चुनाव हुआ है और हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने तुरंत उसको लागू किया है और इसे तुरंत लागू करेंगे। जनता का इस न्याय से जनता का, हमारे देश का इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होंगे लोग, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, बेरोजगारी कम होगी, इससे महंगाई पर नियंत्रण आएगा, अर्थव्यवस्था में नया उछाल आएगा, किसानों की हालत अच्छी होगी इससे, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट दे रहे हैं। महिलाओं के लिए इसमें सशक्तिकरण की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे वृद्ध महिला को 1,00,000 रुपये पेंशन, घर परिवार अपने लिए, उनको तमाम तरह की नौकरियों में सुविधा, उनके लिए केंद्र की सरकार में आरक्षण की, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था, 30,00,000
केंद्र सरकार में रिक्त पद प्रदेशों में जो रिक्त पद है वो अलग सब भरे जाएंगे। इन्हीं सब बातों के लिए आज आपको एक अति आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। इसी बात के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की ये जो गारंटी है 5 न्याय की 25 गारंटी ये जनता तक पहुँचेगी और जनता को एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर जीवन, एक बेहतर सरकार इंडिया गठबंधन देगी। 10 साल में इस सरकार ने सिर्फ झूठ बोला, असत्य बोला, लोगों को भरमाया है।